लगातार मैं डॉक्टर शिखा शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से आप सभी का विश्व योगा दिवस के दिन स्वागत करती हूँ। और क्योंकि ये कोरोना के समय में सभी को मानसिक और शारीरिक रूप से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम योगा बराबर या नियम से करते हैं तो हमारे शारीरिक के साथ साथ जो भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चिंता, डर, अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं, तो जब हम योगा करते हैं तो क्या होता है, चिंता, डर या अवसाद में हमारे शरीर में कई तरह की तकलीफ, दर्द, बेचैनी, घबराहट, कई तरह की समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, तो जब हम योगा करते हैं उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। जब वो रिलैक्स होती है तो हमारी चिंता का स्तर, डर का स्तर और अवसाद का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब हम नियमित योगा करते हैं तो योगा करते वक्त हमारे को बॉडी के अंदर बैलेंस करना है, अपनी सांसों पर ध्यान करना है, ये उसका नियम होता है। जब हम नियम से इन चीज़ों का पालन करते हैं तो हमारे शरीर से ये सभी तरह के मानसिक तनाव और चिंता और फिजिकली जो हम परेशान हो रहे हैं, फिजिकली जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। जब हम योगा करते हैं तो डीप ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते वक्त हम ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपरली पहुंचती है तो उससे धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और मन शांत होने के साथ ही हमारी चिंता का, अवसाद का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। ये अभी कोरोना के टाइम ही नहीं, हमारे को नियमित रूप से भी अगर हम योगा का अभ्यास करेंगे और करते हैं तो हमारे शरीर में एक शांति, मानसिक शांति का बहाव होता है और हमारा लाइफ में हमारी जितनी भी समस्या है, मानसिक रूप से समस्या है या शारीरिक समस्या है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब योग करिए रोज़ और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। नमस्कार।